हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन से इक्वेशन इफ एफ जेड इज इक्वल्स टू एन एनालिटिक फंक्शन सच दैट एफ डैश जेड इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, प्रूव दैट डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू जीरो। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ जेड इज इक्वल्स टू फोर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार एफ जेड। ये हमको पहले से पता होना चाहिए। नाउ टेक एफ जेड इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड एफ डैश जेड, वैल्यू पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू फोर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार लॉग मॉड ऑफ एफ डैश जेड। आगे सॉल्व करते हैं। यहां से टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार लिखते हैं, यहाँ से जो टू है वो लॉग के पावर में चला जाएगा एफ डैश जेड पावर टू। टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार लॉग एफ डैश जेड इंटू एफ डैश जेड बार। टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार मल्टीप्लाई होने पर लॉग को प्लस कर लेंगे एफ डैश जेड प्लस लॉग ऑफ मॉड एफ डैश जेड बार। अब इस फंक्शन में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार लॉग ऑफ मॉड एफ डैश जेड प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार लॉग एफ डैश जेड बार। इज इक्वल्स टू टू डेल अपॉन डेल जेड बार लॉग एफ डैश जेड प्लस डेल अपॉन डेल अपॉन डेल जेड लॉग ऑफ मॉड एफ डैश जेड। यहाँ पर दोनों ही टर्म्स की वैल्यू ज़ीरो होगी क्योंकि एफ डैश जेड डी ओवर डी जेड के लिए कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पर एफ डैश जेड बार डी ओवर डी जेड के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो 2 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ मॉड एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू 0। प्रूव्ड। तो दोस्तों, मैथ और साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।